कक्षा 8 के छठे पाठ का अगला बिंदु ज्वलन ताप की बात करेंगे। इससे पहले हमने दहन की बात की, ईंधन के प्रकारों की बात की, ईंधन की बात की, आज हम ज्वलन ताप की बात करेंगे कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ हो जाए या जलने लग जाए पूर्णतया, तो उस ताप को कौन सा ताप कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ध्यान, जैसे किसी लकड़ी को आप जला रहे हो, तो लकड़ी को जलाते तो हम सबको पता है कि लकड़ी को जलाते समय हमें उसके काफी देर तक पास में रहना पड़ता है, बार बार उसको आग देनी पड़ती है, उसके बाद वो लकड़ी जलना शुरू होती है। तो जब वो लकड़ी जलना शुरू हो जाए और आप आग देना बंद कर दो, उस परिस्थिति को ज्वलन ताप कहते हैं। ध्यान रहे, वापस एक बार कहूंगा मैं कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाए, जलने लग जाए। ठीक है, मैंने तीन उदाहरण लिखे, एक लकड़ी लिखा, एक कागज लिखा, एक पेट्रोल लिखा। ज्वलन ताप, ध्यान करना, वह ताप जो किसी पदार्थ को जलाना शुरू हो। तो आप सोच कर देखना कि हमें इन तीनों में जलाने के लिए ज्वलन ताप किसका ज्यादा है और किसका कम है। तो आप देखोगे कि हमें लकड़ी को जलाने में ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसका ज्वलन ताप जो होगा वो इन तीनों में से सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, क्योंकि लकड़ी को जलाने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ज्वलन ताप जिसमें ज्यादा ऊर्जा लगे जलाने के लिए, तो उसका ज्वलन ताप क्या होगा? अधिक। जबकि पेट्रोल को हम सबको पता है चिंगारी मात्र से जलाया जा सकता है, जलाने के लिए हमें ज्यादा उसमें देनी नहीं पड़ेगी। तो इस पेट्रोल का जो ज्वलन ताप होगा इन तीनों में सबसे क्या होगा? कम। और कागज का इससे कम होगा और इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्वलन ताप का मतलब आप उदाहरण से मेरे हिसाब से समझ गए कि किसे कहेंगे, जो जलाने के लिए ताप चाहिए किसी पदार्थ को वो ज्वलन ताप होगा। उसके बाद अगला टॉपिक आता है अग्निशामक यंत्र। तो आप विद्यालय में सरकारी बिल्डिंगों में लाल से बादल को देखते हो, उसको अग्निशामक यंत्र कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि साधारणतया ये तुरंत काम करता है। ठीक है, आग को इस तरह से भोंक लेता है जिससे आग बुझ जाती है। कैसे क्रिया करता है उसके बारे में बात करेंगे। ये लाल रंग का एक सिलेंडर सा होता है जिसके अंदर एक एनसीएल अणु भरा होता है। ये एनसीएल अणु एक कांच की बोतल में होता है, उसके बाद एक पदार्थ और इसके अंदर डाला जाता है जिसका नाम NaHCO3 है, जिसको खाने का सोडा भी आप कहते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये हमने अभी बात की थी, HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल है। और ये क्षार प्रवृत्ति का होता है, ध्यान रखना, ये क्षार प्रवृत्ति का। ठीक है, जैसे ही ये संरचना आप देख रहे हो, ये हर बिल्डिंगों में विद्यालयों में लगी रहती है ताकि आपको एक तुरंत प्रभाव से एक बार बुझाया जा सके। इसके अलावा जैसे बिजली के उपकरणों में आग लग जाए तो कहीं ना कहीं पानी के उपयोग से वो नुकसान होने का डर ज्यादा रहता है, उसकी जगह इसका इस्तेमाल करें तो फायदेमंद रहते हैं। तो इसका कार्य प्रणाली कैसे होती है वो देखें आप सभी। जैसे ही आग कहीं लगती है, तो आग लगती है तो इसका क्या किया जाता है, यहाँ कहीं इसका एक बटन होता है जिसको दबाया जाता है। दबाते ही क्या होता है, ये कांच की बोतल आप जो देख रहे हो, ये कांच की बोतल टूट जाती है। टूटने से ये HCl अम्ल इसके साथ क्रिया कर लेता है, ये कांच की बोतल टूट जाती है और टूटने के बाद इसके साथ क्रिया करता है। जैसे ही क्रिया करता है ये इस प्रकार की क्रिया होती है NaHCO3। या आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है, एक बनता है इसमें NaCl प्लस H2O प्लस CO। सबसे महत्वपूर्ण घटक हमें चाहिए वो CO2, बहुत तेजी से CO2 बनता है। ये CO2 इस पाइप से बहुत तेजी से गैस के रूप में बाहर आता है, ये गैस के रूप में बाहर आता है और आग के ऊपर चारों तरफ से उसको ढक लेता है, आग के ऊपर चारों तरफ से उसको ढक लेता है। ढकने के कारण आग का किससे संपर्क टूट जाता है, ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, टूट जाता है ऑक्सीजन से संपर्क। जैसे टूटा कहीं ना कहीं इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, जो भी ईंधन था, और हम सबको पता है ईंधन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, और ये ईंधन जो भी जल रहा है वो कहीं ना कहीं बुझ जाएगा, यानी आग बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस उपकरण का ये काम तुरंत होता है, ज्यादा इसमें समय नहीं लगता। तो
इस तरह से यग्नि शामक यंत्र कहीं ना कहीं आग को बुझाने में हमारी सहायता करता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम फिर पढ़ेंगे, जो भी इसमें रहता है। आज के लिए इतना।